आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बीएसएल किन किन स्टेट पे बीएसएल अपने 4G को लॉन्च किया है। साथ ही बीएसएल ने रिसेंटली 5 ऐसे स्टेट है जहां पर अपने 4G को पूरी तरह से लॉन्च कर दिया है कमर्शियली तरीके से। तो बीएसएल को कमर्शियली तरीके से अपने 4G को लॉन्च करना क्यों जरूरी पड़ा, पैन इंडिया पर बेसिस पे क्यों नहीं लॉन्च करना पड़ा। तो बीएसएल का ग्राहक जहाँ पे ज्यादा है और साथ ही बीएसएल को उस जगह से ज्यादा रेवेन्यू आता है, वैसे जगह पर जियो और एयरटेल ने अपने 5G और 4G नेटवर्क को पूरी तरह से विस्तार कर चुका है। इसी वजह से क्या होता है, बीएसएल का जितने भी ग्राहक है जियो और एयरटेल की तरफ शिफ्ट कर रहे थे। इसी वजह से बीएसएल ने क्या किया, कमर्शियली तरीके से अपने 4G को लॉन्च करना शुरू किया। तो बीएसएल का जो सबसे ज्यादा ग्राहक जिस एरिया पे उस स्टेट पे बीएसएल अपने 4G को चालू करना शुरू कर दिया है। तो चलिए जानते हैं कि किन स्टेट पे बीएसएल का 4G अभी तक लॉन्च हुआ है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि बीएसएल का 4G अभी तक कहां कहां पे लॉन्च हो चुका है। तो बीएसएल का 4G पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे 5 ऐसे स्टेट है जहां पर बीएसएल का 4G लॉन्च हो चुका है। साथ ही यहां पर 35,000 ऐसे बीटीएस है जहां पर बीएसएल का 4G पूरी तरह से लग चुका है, वहां पर पूरा अच्छा तरह से काम कर रहा है। तो आने वाले टाइम के अंदर भी बीएसएनएल अपने 4G को लॉन्च करने वाला है, साथ ही किन किन स्टेट पे लॉन्च करने वाला है चलिए जानते हैं। तो बीएसएनएल आने वाले टाइम के अंदर यानी कि अप्रैल के अंदर बीएसएनएल ने अपने 42,000 ऐसे बीटीएस है जहां पर आपको 4G में अपग्रेड करने वाला, ये आपका होने वाला है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के अंदर पे। तो ऐसे करके धीरे धीरे करते हुए बीएसएनएल अपने सभी स्टेटों पे बीएसएनएल अपना 4G को बहुत जल्द चालू करने का कोशिश कर रहे हैं, साथ ही अपने ग्राहकों को अपनी ओर रखने के लिए ताकि दूसरे और कंपनी में शिफ्ट ना करें, इसीलिए बीएसएनएल ने अपनी 4G को कमर्शियली तरीके से लॉन्च करना शुरू किया है। और आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।